हाय गाइस, वेलकम बैक इन गेट फास्ट कुक। और आज एक ऐसी शानदार रेसिपी बन रही है जो शायद पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी, जिसका नाम है, क्या नाम है मम्मी जी? बाजरे के आटे की चक्की। बाजरे के आटे की चक्की। शायद आप में से बहुत से लोगों ने बनाई नहीं होगी, खाई होगी, लेकिन आज हम आपको जो रेसिपी दे रहे हैं ये घर में बनी हुई रेसिपी है जो सिर्फ आप 1 कप बाजरे के आटे से बना सकते हैं। बहुत शानदार रेसिपी है, देखते रहिए। अब मम्मी जी क्या करेंगे हम? पहले बाजरे का आटा लेंगे 1 कप। ये देखिए, यहाँ पे 1 कप आटा लिया है। आप चाहे जितनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आटा ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी। अभी देखिए मम्मी जी यहाँ पे 2 टीस्पून घी डाल रही है, और घी को इन्होंने मेल्ट करके लिया है। थोड़ा सा हल्का गर्म है ये, और अब इस घी को मैश करेंगे। और मम्मी जी की रेसिपी जी की तो आप खास बात जानते हैं, बहुत सफाई से और बहुत चतुराई से बनाती हैं। तो ये जो छोटे छोटे इनकी ट्रिक्स ट्रिक्स हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आटे को संभाल रही हैं और उसको बना रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं। और अब क्या करेंगे मम्मी जी? अब इसको गूंदेंगे। अब देखिए, और बाजरे का आटा कभी भी आप एक साथ ज़्यादा ना गूंथें, जितनी आपको ज़रूरत है उतना उतना गूंथते हैं। तो मम्मी जी इसके पीछे भी कोई लॉजिक है कि एक साथ नहीं गूंथते बाजरे का आटा? ये फटता रहता है। अच्छा, ये देखिए बड़े लोगों को पता होता है, हम जैसे नए बिगनर्स को पता नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, 3-4 रोटी का आटा एक साथ बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। जब आपकी एक रोटी सिक जाती है तब आप दूसरी रोटी का आटा लगाएं। मम्मी जी हमेशा ऐसे ही कहती है, और मुझे थोड़ा सा देख के ऐसा लगता है कि एक साथ क्यों नहीं लगाते। तो मम्मी जी कहती है तू बना के देख ले, मेरे से नहीं बना कभी भी। तो ये मैं छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं भी सीख रही हूँ और आप भी सीखिए मम्मी जी के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के इसको बनाओ। ये देखिए किस तरह से इनके हाथ चल रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। कभी भी इन्होंने बाजरे का आटा एक साथ नहीं लगाया, और एक एक रोटी का आटा लगाना हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, बट बड़े लोगों की आदत में होता है तो वो फटाफट कर लेते हैं इस चीज़ को। उनको कुछ भी बॉदर नहीं लगता, उनको मज़ा आता है खाना बनाने में और खाना बनाकर खिलाने में। और यही इनकी स्पेशलिटी होती है कि जो इनका खाने का स्वाद को दुगना कर देती है, क्योंकि ये बहुत प्यार से बनाते हैं, बहुत केयर के साथ बनाते हैं। तो ये देखिए और किस तरह से ये हथेली के दबाव से आटे को मल रही हैं। थोड़ी देर में इसमें लोच आ जाएगा इस तरह से मलते हुए। ये देखिए मम्मी जी ने लोई बना ली है, और लोई बनाकर उसको चारों तरफ से किनारे से दबाते हुए इस तरह से एक पेड़ा तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मम्मी जी ने 1 kg दूध लिया है, 1 किलो दूध है ये। और इस दूध का मम्मी जी आप क्या करोगे? मावा निकालेंगे। मावा निकालेंगे। और मावा, जैसा कि आपको बताया कि दूध को कढ़ाई में डालकर और उसको हिला हिला कर करीब 15 से 20 मिनट बाद ये दूध घट जाएगा और मावा जैसा तैयार हो जाएगा। तो आप या तो फ्रेश बाजार से ला सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से घर पे बना सकते हैं। मम्मी यहाँ पे घर का मावा ले रही हैं। और मम्मी अब क्या करेंगे? अब इसको बेलेंगे। अभी देखिए, चाहो तो आप इसकी बाटी बना करके सेक करके भी बना सकते हो, अच्छा और अच्छा चाहो तो इस तरीके से भी यूज में ले दोनों सकते तरीके हो। आप ले सकते हैं। मम्मी यहाँ पे रोटी बना के ले रही हैं, आप चाहे तो बाटी, बाजरे की बाटी बनाइए और फिर उसको बताते भी हैं हम आपको क्या कीजिए। देखिए, मम्मी ने ये रोटी बना ली है, और ये रोटी मम्मी कैसे आटे की, टाइट आटे की, सॉफ्ट आटे की? थोड़ा टाइट लेना है आटा। टाइट आटा ही लगाएं आप बाजरे का, और उसके बाद ये टाइट आटा क्यों लगाएं मम्मी आपने? नरम से खिलता नहीं यार, अगर आपका आटा सॉफ्ट होगा तो जो हम बना रहे हैं बाजरे की चक्की वो खिलेगी वो नहीं। खिली खिली नहीं बनेगी, दबी दबी बनेगी। और अगर आप चाहते हैं आपकी बाजरे की चक्की खिली खिली बने तो आप इसका टाइट आटा लगाइए। और ये देखिए मम्मी जी ने यहाँ पे तवा गरम कर लिया है, और इस पे मम्मी डालेंगी ये। देखिए इस तरह से आप बाजरे का रोटी या पराठा बना के रेडी कर लीजिए, और इसको अब मिक्सी में हम ग्राइंड करेंगे ठंडा होने के करके बाद। तैयार हो गई है। हमने इसको पीस मिक्सी की सहायता से पीस लिए। अब इसको छानेंगे। ये देखिए ये छलनी रही। इस तरह की चलनी अगर आपके पास है तो आप छान लीजिए। और छानने से ये होगा कि आपकी जो चक्की है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी उसमें कुछ भी टाइटनेस नहीं होगा। ये देखिए जितना भी टाइट पार्ट था रोटी का वो सब निकल चुका है, साइड में आ चुका है, और जो सॉफ्ट पार्ट था वो हमें मिल जाएगा हमारे बाजरे की चक्की बनाने के लिए।
ये देख, किलो दूध बताया था उसका मावा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए मावा रेडी, घर का बना हुआ एकदम फ्रेश। और इस साइड में क्या किया है मम्मी जी आपने? अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें घी डाला है। और ये कितना घी लिया आपने? मैंने 4 टीस्पून घी लिया है। ये देखिए 4 टीस्पून मम्मी जी ने घी लिया है। और अब इसके अंदर ये डालेंगे, ये अपना जो बाजरे का आटा बन गया, आटा बन गया था जो रोटी बना के हमने पीसा था, और वो डाला है हमने इसमें। और अब इसको पकाएंगे। और इसको कितनी देर पकाएंगे मम्मी जी? 5 मिनट। और कौन सी फ्लेम पे? ये देखिए मम्मी जी ने फ्लेम को स्लो कर रखा है, और स्लो फ्लेम पे हमारा ये बन रहा है। और इसको कितना देर लगेगी? 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। 5 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम बताते हैं आपको। और ये देखिए मावा डाल रही हूँ मैं। ये मावा डल चुका है 5 मिनट बाद में, और इस मावे को अच्छे से मैश कर रही है मम्मी जी। और इसको कितना टाइम लगेगा मम्मी जी? 5 मिनट इसको लगेंगे। अच्छा, अब मेरा यह सिक्के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें चाशनी बनाऊंगी। ये देखिए जिस पैन में हमने वो भुना था, आप दूसरे में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसी में बना रही हूँ। ये देखिए जितना आटा लिया था उतनी ही चीनी ली है मैंने, और इससे आधा मैंने पानी लिया है। ये देखिए जितनी चीनी है उसका आधा पानी लिया है। ये मैंने चाशनी के लिए तैयार कर लिया है। और गैस ऑन किया आप मम्मी जी ने, और अब इसकी चाशनी बनाएंगी। चाशनी कितनी तार की बनाएंगी मम्मी जी आप? 1.5 तार की। 1.5 तार की चाशनी बनेगी इसकी। चाशनी में हमने एक जो हमने बाजरे का आटा सेका था मावा मिला के वो डाल दिया है, और इस तरह थाली को ग्रीस कर लिया मम्मी जी ने, और घी छूटने लग गया। इस स्टेज में हम इसको पोर कर लेंगे थाली के अंदर। मैंने अब इसको फैला लिया है चौकोर बना करके। मम्मी जी आपने चौकोर क्यों फैलाया? इसलिए कि ये चक्की सही तरीके से कट जाए। ये देखिए कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, सारी चक्कियाँ आपके सेम साइज़ की निकलेगी। जब हम राउंड शेप में फैलाते हैं तो हमारी किनारे की जो चक्कियाँ हैं वो बेकार हो जाती है, दिखने में सुंदर लगती, तो हम उसको सर्व नहीं कर पाते। बट जब आप इस तरह से जो मम्मी की जी की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं उसको यूज़ करेंगे तो देखेंगे आपको कितना सामान वेस्ट होने से बच गया है। और ये हम ऊपर बादाम डाल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी बाजरे की चक्की रेडी है घर पर। आपने चक्की तो कई तरीके की खाई होगी, काजू की, बादाम की, अखरोट की, मावे की, बेसन की, सूजी की, लेकिन ऐसी चक्की कभी नहीं खाई होगी। जरूर बनाएं अगर आपको तो ये रेसिपी, आप ट्राई करके देखना, अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि ये आप और दिखा देती हूं आपको रेसिपीज मम्मी जी के हाथ से बनी हुई देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी जैसे ही बहुत से लोगों को इसकी रेसिपी का पता चले और मम्मी जी की ट्रिक्स का पता चले। थैंक यू सो मच।